मेरा नाम राहुल है और आप सभी का इस नए चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉचुला का, मॉस रोज, टेबल रोज, ऑफिस टाइम, 9 to 5, कई सारे नाम है इस सुंदर फूल के। तो आज हम बात करेंगे इसके सारे एस्पेक्ट्स पर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है पॉचुला का, इसके बहुत सारे नाम हैं। अब हम इसके एक एक एस्पेक्ट्स पर आएंगे। इसकी फर्स्ट है इसकी वैरायटी। ये दो वैरायटी में आता है, एक है हाइब्रिड और एक है नॉर्मल देसी वैरायटी। हाइब्रिड में इसका फूल ऐसे गुदा हुआ आता है और उसके अंदर शेड्स बहुत होते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए, इसके अंदर शेड्स बहुत सारे होते हैं। मेरे पास सारे वैरायटीज हैं और देसी वैरायटी में सिर्फ आपको वाइट मिलेगा या फिर ऐसे पिंक कलर के अंदर सिर्फ थोड़े पेटल्स के मिलेंगे, इतने ही मिलता है। तो इसकी अगला एस्पेक्ट है सनलाइट, क्योंकि ये समर का पौधा है, इसको 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए अच्छी, जो धूप हमको सही नहीं होती है ये आराम से बर्दाश्त कर लेता है और ये सनलाइट के अंदर अच्छे से फ्लावरिंग होता है। हाँ, तो अगर आप इसको ज़्यादा शेड पर रखोगे तो इसकी जो पत्तियाँ हैं ना वो ज़्यादा होगी, लेकिन फूल बहुत कम आएंगे। जैसे कि देखिए, इधर मैं इसको फुल धूप में रखता हूँ तो फूल ज़्यादा है और पत्तियाँ कम हैं। तो इसका अगला एस्पेक्ट है वाटरिंग। इसको ना आप ज़्यादा वाटर मत कीजिए, अगर आप ज़्यादा करोगे तो इसकी वही बात हो गई, पत्ती ज़्यादा आएंगे लेकिन फूल कम आएंगे। जितना आप कम की तरफ वाटरिंग करोगे उतना फूल ज़्यादा आएगा और पत्तियाँ भी नॉर्मल रहेगी, अच्छी ग्रीन रहेगी, लेकिन फूल ज़्यादा ही आएगा आपको। तो इसका अगला एस्पेक्ट है सॉइल। तो इसको सॉइल के लिए, तो देखिए इसकी सॉइल के लिए आप 40% जो रेत होती है ना बजरी के, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के उधर अवेलेबल रहती है, इसको ज़्यादा लीजिए, क्योंकि ये एक सेक्युलेंट प्लांट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी एक पत्ती को ऐसे तोड़ोगे तो इसके अंदर आपको पानी ज़्यादा दिखेगा, तो इसको ज़्यादा पानी में ठहरना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप 40% बजरी लीजिए जो कि अच्छे से पानी को ड्रेन आउट कर देगा, और आप 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है। और ये देखिए, ये गोबर की खाद, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसको थोड़ी तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी 30% लीजिए, ये 30% लीजिए और ये डायरेक्ट 40% लीजिए, तो एक एकदम परफेक्ट मिक्सचर है मॉस रोज के लिए। तो हमारा 5वां पॉइंट है इसकी प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब है इसकी सॉफ्ट पिंचिंग करनी चाहिए आपकी। इसमें हार्ड प्रूनिंग होती है और सॉफ्ट होती है, लेकिन इसको आप सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, अगर आपने इसको इधर से इसे पिंच कर दिया, ये आपका प्रून हो गया, तो आपको नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिलेगा, जैसे कि देखिए मैंने इधर किया हुआ है, इधर से करोगे तो आपको दो और नए ब्रांचेस दिखेगी। ऐसे ही कर करके आप अपने प्लांट को अच्छे से बुशी बना सकते हो। प्रूनिंग की वजह यही है कि आपके प्लांट को अच्छे से बुशी बना के आपको फ्लावर्स ज़्यादा मिलते हैं और आपके एक शेप भी मेंटेन रहता है, ऐसे नहीं कि वो ऐसे लटकता रहे, आपका अच्छे से शेप भी मेंटेन रहता है। तो इसका अगला एस्पेक्ट है इंसेक्ट अटैक। इस पर कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं करता है। अगर आप ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट में कंडीशंस में रहते हो तो आप इसको, वो भी एक वजह हो सकती है कि उधर हो सकता है, तो आप सिर्फ 15 दिन में एक बार इसको अच्छे से नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिएगा, इतना ही है इसका। और इसका अगला एस्पेक्ट है इसके यूजर्स, हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप चाहिए तो एक टावर भी बना सकते हो, एक बॉटल को ऐसे एक बॉटल के अंदर ऐसे होल करके उसको इसके कटिंग्स लगा के अच्छे से ये भी कर सकते हो, टावर बना सकते हो। और अगर आपको लैंडस्केपिंग करना है तो अच्छे से इसको अच्छे से लैंडस्केपिंग भी कर सकते हो। और इसके बहुत सारे यूजर्स आते हैं। और इसका अगला एस्पेक्ट है डेडिंग। गार्डनिंग में एक टर्म आती है डेडिंग, उसका ये मतलब है जो कि आपका फूल, अभी देखिए ये कल का फूल है, अगर आप इसको ऐसे ऐसे पिंच करके हटा देते हो तो आपका प्लांट एकदम जो एग्जिस्टिंग फ्लावर्स है उन जो एग्जिस्टिंग ऐसे बड्स रहते हैं उनके अंदर एनर्जी डालता है, ना कि इनको रिवाइव करने में। तो आप ऐसे डेडिंग करते रहिएगा तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से बुशी होगा, क्योंकि ये सब भी जो एनर्जी प्लांट की एनर्जी है वो सभी एक मेन फ्लावरिंग बड के ऊपर जाएगा। तो इसका अगला एस्पेक्ट है प्रोपोगेशन। ये सबसे इजी टू प्रोपोगेट है, इसके जो आप ऐसे कटिंग लीजिएगा, अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली किधर से भी ऐसी इतनी छोटी सी कटिंग लीजिएगा, आप जस्ट उसको ऐसी, अब देखिए उसको ऐसी इतना ही डाल दीजिएगा, सिर्फ 3 से 4 दिन में आपके नया प्लांट बन जाएगा। और इसका और एक प्रोपोगेशन मैटर है कि इसको आप रूट समेत, अब देखिएगा ये रूट समेत ऐसे निकाल के जड़ को ऐसे एक्सपोज करके
आपको इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको एक्सपोज करके आप लगा सकते हो। हाँ तो इसको और एक है सीट से थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन आप ये कटिंग से ही ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा ही इजी से, ऐसे किसी आपके फ्रेंड से इतना ही लेके, मैंने भी इतना ही लिया था कटिंग, इससे पूरा बुशी ऐसे प्रोपोगेट कर करके और अच्छे से पिंचिंग सब कुछ प्रूनिंग कर करके मैंने इतना बुशी किया है। आप सिंपली इसको ऐसे ही कर दीजिएगा, ऐसे मिट्टी में दबा दीजिएगा, मैंने आपको जो मिक्सर बताया है उसमें ही आप सॉइल मिक्सर में डालिएगा। तो इसका 10th पॉइंट है कि इसको इसका ग्रोइंग पीरियड है ना वो समर में है, समर में भेषमा अच्छे से ग्रो करता है, और जो विंटर है उसमें ये डॉर्मेंट हो जाता है। इसको विंटर में कैसे सेव करते हैं मैं उसके ऊपर अगला वीडियो ज़रूर लाऊंगा, अगर आपका रिक्वेस्ट है तो। अगर आपको चाहिए कि विंटर में इसको कैसे सेव करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और देखिए इसको बहुत अच्छे से आ जाता है, आप सिर्फ इसको सिंपली ऐसे कटिंग से ही ग्रो कर सकते हो। तो आप सभी को कैसा लगा इस पॉर्चुला का फ्लावर के बारे में जानकर, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत हार्डी प्लांट है, अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो आपको इस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ एक अच्छे से लाइक कर दीजिएगा, और कौन से फ्लावर या प्लांट के बारे में आपको जानकारी चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो अभी तक आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा, बहुत अच्छा प्लांट है। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।